नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। बता दूं, आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जो लोग इंडिया से, मान लीजिए अलग अलग देशों में आप लोग जाते हैं कमाने के लिए। हालांकि एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था 8 से 10 महीने पहले कि भाई इंडिया से जो लोग, बहुत सारे क्या लाखों में लोग हैं जो कमाने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं उनमें से कुछ परसेंट लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। जो कुछ तो थोड़े टाइम के लिए जेल में जाते हैं, कुछ थोड़े लंबे टाइम के लिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उनको उम्र कैद हो जाती है, उनकी कोई सुनने वाला भी नहीं होता। जी हाँ, टॉपिक पे हम बात करेंगे। आपको भी ये जानकारी लेना जरूरी है कि भाई हमारे कौन से देशों में कितने इंडियन लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं जो वहां पे गए थे कमाने के लिए किसी भी कारण से, और वो वहां जेलों में पड़े हैं, रिहाई की गुहार लगा रहे हैं भारत सरकार से। जी हाँ, बता दूं साथियों, 25 भारत सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं 20 फरवरी 2021 तक की मैं बात कर रहा हूं। हालांकि एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, उसमें वो आंकड़े 2018-19 तक के थे। अभी फरवरी लेटेस्ट 2021 में बुधवार को सरकार ने ये आंकड़े जारी किए हैं। और हमेशा याद रखने भाई, आंकड़े जो होते हैं ना वो हमेशा कम होते हैं, कुछ चीजों के कम होते हैं, जो निगेटिव होते हैं, जो अच्छी होती है उनको बढ़ा चढ़ा के आंकड़े दिखाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है सरकार के पास भी आंकड़े पूरे नहीं आते होंगे, उस पर भी हम बात करेंगे कि आंकड़े कम क्यों है, इसका क्या रीजन हो सकता है। जी हाँ, सरकार ने, मैं बता दूं, अपने जो विदेश राज्य मंत्री हैं मुरलीधरन ने ये अपने बयान में बताया कि भारत सरकार के कम से कम 7,890 ऐसे लोग हैं जो विदेश की धरती पे जेलों में पड़े हैं। जी हाँ, मैंने एक कैलकुलेशन लगाई, 25 देशों में 7,000 यानी 8,000 लोग मान सकते हैं, 25 देशों की जेलों में 8,000 लोग अभी भी जेल में पड़े हैं। जी हाँ, इसका कारण क्या, सबसे ज्यादा लोग हैं खाड़ी देश में और सऊदी अरबिया में। जी हाँ, हम डिटेल से आगे बात भी करेंगे भाई कौन से देश में कितने लोग हमारे जेल में पड़े हैं, 25 देशों की हम लिस्ट बताएंगे, तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पता रहे कि भाई हमारे लोग देशों में कौन से देश में कितने लोग बैठे हैं आज भी जेलों में। वो उम्मीद कर रहे हैं सरकार से, क्योंकि विदेश का मैटर होता है तो घर वालों का मैटर खत्म हो जाता है, सरकारी स्तर पे डिपेंड होता है कि वे सरकार हमें निकाले यहाँ से जल्दी। जी हाँ, इसका क्या कारण हो सकता है, कारण क्या भाई, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इलीगल एक्टिविटी, अलग अलग देशों के अलग अलग कानून होते हैं, कुछ चीज ऐसी होती है जो इंडिया में आप कर सकते हो इलीगल है, लेकिन वही काम सऊदी में करोगे इलीगल है। ठीक है, कोई रीजन, चोरी चकारी, इंडिया में चोरी का क्या, इंडिया में चोरी का केस कितना बड़ा मानते हो, 10 दिन में 5 दिन में जमानत हो जाती है, सऊदी में चोरी करके देख लो कितना टाइम लगता है। सेम ये प्रोसेस होते हैं, कहीं ना कहीं हत्या, मर्डर, चोरी, गलत काम करना, इलीगल तरीके से रहना, इन चीजों में कहीं ना कहीं बंदे एक्टिविटी पाई जाती है, इस वजह से उनको सजा हो जाती है। कुछ लोगों को सजा उस टाइम की होती है, कुछ लोगों को थोड़े 5-4 साल की सजा होती है, कुछ लोगों को उम्र कैद की सजा हो जाती है। जी हाँ, तो 25 देशों की मैं आपको बताऊंगा कि भाई कौन से देश में हमारे कितने लोग इंडियन लोग भाई हैं जो जेलों में बैठे हैं। और हो सकता है आप जो वीडियो देख रहे हैं, आपका भी कोई रिश्तेदार, कोई भाई, कोई बंधु जेल में बैठा होगा, आप भी कोशिश कर रहे होंगे कि वो जल्दी से जल्दी निकले। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई सऊदी अरबिया में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। जी हाँ, जेल में सबसे ज्यादा लोग हैं, 1570 लोग हैं। जी हाँ, 1570 इंडियन लोग हैं जो सऊदी की जेल में हैं। इसका रीजन सीधा है भाई, सऊदी के कानून सख्त हैं, छोटे सी गलती में भी वहां सजा हो जाती है, इस वजह से सबसे ज्यादा लोग हैं। अब बात कर लेते हैं यूएई दुबई के बारे में। जी हाँ, दुबई में सुन लीजिए भाई, 1292 लोग हैं, 1292 एवरेज, आप 1300 लोग मान सकते हैं यूएई में 1300 इंडियन लोग हैं, जबकि अगर इसकी कैलकुलेशन पाकिस्तान के लोगों से की जाए तो अकेली अबू धाबी में पाकिस्तान के 6000 से ज्यादा लोग जेल में हैं। जी हाँ, पाकिस्तान हमारे इंडिया के पूरे 25 देशों में जितने लोग हैं उतने आपको दुबई में पाकिस्तानी लोग मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ। सऊदी का तो हमारे पास आंकड़ा नहीं है इसलिए हम नहीं बता सकते। कुवैत की बात करें इंडियन लोग, जी हाँ, तो लगभग 460 इंडियन लोग हैं जो कुवैत की जेल में अभी भी बैठे हैं। जी हाँ, कतर की बात करें तो कतर में बता दूं 439 लोग हैं, इंडियन लोग हैं जो वहां पे जेल में हैं। जी हाँ, बहरीन की कैलकुलेशन करें तो भाई 178 जी हाँ 178 लोग हैं जो वहां की जेलों में हैं, इंडियन लोग हैं। ईरान में बात करें तो ईरान के जो आंकड़े हैं वो 70 लोग हमारे इंडियन लोग हैं जो वहां की जेल में हैं। ओमान में बात करें तो 49 लोग हैं जो इंडियन के लोग हैं जो वहां की जेल में हैं। अब भाई ये तो आ गई गल्फ से रिलेटेड खाड़ी देशों में 7 देशों का हम आंकड़ा निकाल लेते हैं। अभी 7 देश हमारे पड़ोसी देश में, 7 देश ऐसे हैं कि
कि हमारे इंडियन भाई वहां की जेलों में अभी भी पड़े हैं। जी हाँ, नेपाल की बात करें तो नेपाल में सबसे ज्यादा भाई 886 लोग हैं जो नेपाल की जेलों में बंद हैं। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलत काम उन्होंने वहां पे किया है, और वैसे भी इंडियन लोग नेपाल में बहुत रहते हैं, तो उस हिसाब से आंकड़े कोई ज्यादा नहीं है। पाकिस्तान इम्पोर्टेंट हमारे लिए, पाकिस्तान है कि हमारा उनसे कोई लिंक नहीं, कोई लेन देन नहीं, फिर भी बता दूं 524 लोग सरकारी आंकड़े के हिसाब से अभी भी हमारे इंडियन लोग हैं जो पाकिस्तान की जेल में पड़े हैं, जेलों में पड़े हैं। जी हाँ, चीन की बात कर लेते हैं भाई, 157 यानी 157 लोग अभी भी हमारे चीन के जो हमारे इंडियन लोग हैं जो चीन की जेलों में पड़े हैं। जी हाँ, बांग्लादेश की बात कर ले तो 123, जी हाँ 123 लोग इंडिया के हैं जो बांग्लादेश की जेलों में पड़े हैं। जी हाँ, भूटान की बात करें तो 91 यानी 91 लोग हैं जो भूटान की जेल में अभी भी पड़े हैं। जी हाँ, श्रीलंका की बात कर ले तो भाई 67 यानी 67 लोग हैं ऐसे जो श्रीलंका की जेलों में पड़े हैं। म्यांमार की बात कर ले जो अभी तख्ता पलट हुआ है, सैन्य शासन वहां पे है, आपको पता ही है, 65 यानी 65 लोग ऐसे हैं जो म्यांमार की जेलों में पड़े हैं। जी हाँ, ये हो गए खाड़ी देश, ये हो गए 7-8 कंट्री हमारे पड़ोसी देश। अब हम यूरोप कंट्री की बात कर लेते हैं, यूरोप के आसपास के जो देश है उनकी भी बात कर लेते हैं। जी हाँ, वैसे अमेरिका में बात करें तो 267 यानी 267 हमारे इंडियन लोग हैं जो यूएसए की जेलों में हैं। जी हाँ, हालांकि आंकड़ों के हिसाब से ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। इंग्लैंड की बात कर ले तो 273 यानी 373 लोग हमारे इंडियन लोग हैं जो इंग्लैंड की जेलों में पड़े हैं। सिंगापुर की बात करें, सिंगापुर के भाई कानून बड़ा सख्त है, आपको ध्यान रखना चाहिए, सिंगापुर में सबसे ज्यादा लोग हैं। जी हाँ, 409 यानी 409 हमारे इंडियन लोग हैं जो सिंगापुर की जेलों में पड़े हैं। मलेशिया की बात कर लेते हैं, मलेशिया में मात्र 71 यानी 71 लोग ऐसे हैं जो मलेशिया की जेलों में पड़े हैं। जी हाँ, फिलीपींस की बात कर ले भाई, फिलीपींस में भी हमारे इंडियन लोग रहते हैं वहां पे जॉब के लिए, तो 41 यानी 41 लोग हैं जो वहां जेलों में पड़े हैं। जी हाँ, थाईलैंड की बात कर लेते हैं भाई, थाईलैंड में बता दूं 23 यानी 23 लोग ऐसे हैं जो वहां की जेलों में पड़े इंडिया के। जी हाँ, अब इंडोनेशिया की बात कर लेते हैं भाई, इंडोनेशिया में 28 यानी 28 लोग ऐसे हैं जो इंडिया के वहां की जेलों में पड़े हैं। जी हाँ, ये हो गए लगभग 24-25 देशों का आंकड़ा है जो हमारे लगभग अगर सबको मिलाए तो 8000 से 200 कम है, ये मान लो इतने बंदे विदेशों के 25 देशों में पड़े हैं। जबकि बता दूं 6000 से ऊपर पाकिस्तान के ओनली अबू धाबी, दुबई की भी, पूरी दुबई की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली अबू धाबी की बात कर रहा हूं। जी हाँ, तो आप समझ सकते हैं भाई कि पाकिस्तान के लोगों के अगर कैलकुलेशन किए जाए तो इतने पूरे ज्यादा नहीं है, फिर भी ये लोग हैं जो सरकार से उम्मीद लगाए बैठे कि कभी न कभी इंडियन सरकार, हमारी सरकार हमें निकालेगी। जी हाँ, मंत्री ने अपने बयान में आगे बताया कि दूतावास स्थानीय कानूनों के, आपको पता है भाई हमारे अलग अलग देश के अलग अलग देशों में इंडियन दूतावास है, एम्बेसी है, वो आप लोगों की हेल्प भी करती है नो डाउट, और विदेश में फंसते हैं ना तो इंडियन एम्बेसी आपकी हेल्प कर सकती है, बाकी कोई नहीं कर सकता। लेकिन उसमें कंडीशन होती है कि भाई अलग अलग देशों के अलग अलग नियम है, उसके हिसाब से इंडिया के उनके बीच में द्विपक्षीय संधि होती है सजा की कैद से रिलेटेड, हिसाब से वो उनमें छानबीन करती है भाई कौन से बंदे का क्या दोष है, कुछ लोग गलत तरीके से फंस जाते हैं, कुछ को फंसा दिया जाता है, तो उनकी कानूनी हेल्प करती है इंडियन एम्बेसी, और भी उनकी कोई हेल्प होती है, जैसे आपने देखा होगा पासपोर्ट बना के देना, फंसा हुआ बंदे को खाने की व्यवस्था करना, टिकट की व्यवस्था करना, कानूनी हेल्प करना वकील की तरफ से वगैरह वगैरह, ये सब चीजें इंडियन एम्बेसी करती है। लेकिन इंडियन एम्बेसी के भी पीछे कोई खड़े होने वाला होना चाहिए, वहां तक न्यूज पहुंचाने वाला, तब जाके हेल्प होती है भाई। ऐसे नहीं कोई बंदा जेल में, इंडियन एम्बेसी के अधिकारी अपने आप चले जाएंगे, अपने आप तो नहीं जाएंगे, लिंक के माध्यम से हम यहाँ से अप्लाई करते हैं। देखते हैं ना कई बार की हमने एसपी को ज्ञापन दिया, सांसद को ज्ञापन दिया, सांसद ने फिर वहां पे अप्लाई किया, विदेश मंत्रालय को बोला, विदेश मंत्रालय फिर अपनी एम्बेसी के तक ये मैसेज पहुंचाता, इस तरह से ये हेल्प होती है। बाकी सरकार ने, मंत्री ने ये भी बताया भाई हमारी इंडियन एम्बेसी है वहां के द्विपक्षीय समझौते के तहत हमारे जितने भी बंदे हैं, इंडियन लोग हैं जेल में बैठे, उनकी पूरी हेल्प करने की कोशिश की जाती है, चाहे वो किसी भी मुद्दे पे हो। बाकी ये नहीं कि भाई जेल में है इंडियन एम्बेसी ने वहां पे दावा बोल के या फिर हस्तक्षेप करके निकाल लिया, नहीं जी, अगर सजा है तो काटनी पड़ेगी, हाँ हेल्प आपको मिल सकती है,
कोई कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, समझौते के तहत बंदा थोड़ा बहुत जल्दी निकल सकता है, बाकी हेल्प होती है इंडियन एम्बेसी के द्वारा, नो डाउट। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी, जरूर अच्छी लगेगी, क्योंकि ये जानना आपको जरूरी है कि इंडिया के कितने लोग विदेशों की जेल में बैठे हैं। आगे इसी तरह की जानकारी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जी।